आज हम बात करेंगे सेक्स साइकिल के बारे में, उसको सेक्स रेस्पॉन्स साइकिल बोलते हैं, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी सेक्स एक्टिविटी जो पूरी होती है तो उसको एक सेक्स साइकिल बोलते हैं। मतलब साइकिल अपन जो चलाते वो साइकिल नहीं, ये सेक्स साइकिल है, सेक्स रेस्पॉन्स साइकिल है। और हर सेक्स एक्टिविटी उसमें से जाती है, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप। तो वो क्या है हम देखते हैं ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि अपने को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो एक तो क्या है कि फर्स्ट है कि पहली स्टेज वो है डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। और सेक्सुअल डिजायर जो है वो पैदा होती है, एक तो सब सेंसेस से अंदर स्टिमुलेशन जाता है, और स्टिमुलेशन जाता है तो सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है। जैसे आंखों से जाता है, कोई लड़की देख लिया, किस कर लिया तो मुंह से, टेस्ट मुंह वहां से जाता है, हाथ लगा लिया तो वहां से जाता है, कान से आवाज सुन लिया तो वहां से जाता है, कोई स्मेल आ गया जो पहले से कंडीशन हुआ है आपको सेक्स के साथ में तो उससे, ऐसा पंचेंद्रिय से अपने इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, सेक्स के विचार तैयार होना शुरू हो जाता है और उस इच्छा तैयार हो जाती है एक सेक्स करने की इच्छा, उसको बोलते हैं डिजायर। तो प्रॉब्लम जब आपको हो सकता है तो वो एक डिजायर के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि डिजायर ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती। और यह अक्सर डिप्रेशन में होता है या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी उसमें होता है कि डिजायर ही नहीं। तो यह पहली स्टेप है। फिर दूसरी स्टेप है कि डिजायर हो गई, अभी एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा आदमी एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट जब होता है तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, धक धक बढ़ जाती है, बहुत अच्छा फीलिंग, रेस्टलेसनेस आ जाता है, अच्छा फीलिंग हो जाता है, फ्लश होता है, मतलब पूरा बदन गर्म हो जाता है। औरत का भी सेम है, मतलब ये दोनों हम सेम कंपेयर कर सकते हैं, औरत का भी सेम होता है। पेनिस है उसके ऊपर जो वेंस दिखती है वो बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, पेनिस का रंग थोड़ा लाल या थोड़ा काला सा ऐसा नीला सा पड़ जाता है, और पूरा बॉडी फ्लश हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये एक्साइटमेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा और बढ़ जाती है। तो ये हो गई एक्साइटमेंट की फेज, सेकंड। फिर थर्ड जो है वो है प्लेट्यू फेज, मतलब एक वो स्टेडी लेवल मेंटेन हो जाती है, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा, दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं सेक्स, दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्साइट कर रहे हैं, दोनों को मजा आ रहा है, मेल और फीमेल पार्टनर्स को, दोनों को भी बहुत मजा आ रहा है, और दोनों एक लेवल पे है, वो एक प्लेट्यू फेज है। तो ये प्लेट्यू फेज फोर प्ले के बाद में आती है, और एक प्लेट्यू है मतलब एक समांतर, एक ऐसी स्टेज है कि ना ऊपर नीचे, एक लेवल आ गई है। वो लेवल जब आती है उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट लेवल ऑर्गेजम का। ऑर्गेजम मतलब एक्साइटमेंट की चरम सीमा, मतलब टॉप लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, इतना उस समय अच्छा लगता है, पुरुष जो है उसको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पूरे नीचे का जो पेल्विस एरिया उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आके मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वीर्य बाहर निकलना चालू हो जाता है, ऐसा झटके झटके में वीर्य बाहर आएगा, और जितना ज़्यादा समय तक वीर्य बाहर आएगा उतना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, धीरे 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 बाहर आता है तो। और उसके बाद में फिर पेनिस जो है वो ढीला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा। तो ये ऑर्गेजम का है। स्त्री में भी यही हो जाता है, उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे पूरे नीचे के पूरे एरिया में आते रहते हैं, और उसको बहुत अच्छा लगता है उस समय, एक्साइटमेंट आनंद की चरम सीमा है, और उसके बाद में वो दोनों भी शांत हो जाते हैं। और बाद में चौथी स्टेज जो है वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब अभी नॉर्मल सी में वापस आना, और नॉर्मल सी में वापस जो आने का है वो है कि पेनिस नॉर्मल हो जाता है, स्त्री के भी जो ऑर्गन्स है वो जो लाल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट भी बड़े हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, पूरा बदन ठंडा हो जाता है, और दोनों भी शांत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब वापस पहले जैसे कंडीशन में आना। तो ऐसे ये पांच स्टेप है, और पांच स्टेप में से कहीं भी प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं हो रही, नंबर एक। नंबर दो, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है, इतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड है कि वो फटाफट फटाफट बाहर फेंक देगा जल्दी, और ख़त्म हो जाएगा जल्दी ऑर्गेजम, जल्दी रिजोल्यूशन। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाएगा। उसमें ये लोगों में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करती है, और इतना ज़्यादा एक्साइट करती है कि जल्दी बाहर फेंक देंगे। तो इससे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन होता है यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो। यदि एक्साइटमेंट में प्रॉब्लम ऐसा है कि एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है, मतलब पेनिस एनलार्ज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो थिन हो गए, छोटे हो गए, ब्लड का सप्लाई जितना होना चाहिए पेनिस में उतना नहीं हो रहा है। हो सकता है कि साइकोलॉजिकल है, हो सकता है फिजिकल है,
डायबिटीज है, थायराइड हार्मोन, फिर ब्लड प्रेशर की दवाई है, बाकी मेडिसिन चालू है, तो उसके वजह से एक्साइट ही नहीं ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा एनलार्जमेंट ही नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम है। तो एक्साइटमेंट के लेवल पे प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेजम में प्रॉब्लम, मतलब लोगों को क्या होता है कि वीर्य बाहर निकलते ही नहीं, उनको छोड़ देना पड़ता है फिर ये कि नहीं अभी वीर्य बाहर निकल नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑर्गेजम मिलता ही नहीं है, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे अलग 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 स्टेजेस है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड कम है तो शीघ्र पतन है, एक्साइटमेंट बहुत कम है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये दोनों। और फिर यदि मास्टरबेशन है तो हैबिट लग चुकी है, वो तो दिमाग के ऊपर है कि हैबिट लग चुकी है और इसकी वजह से मास्टरबेशन करता है। तो ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है, और ये साइकिल आप यदि समझ लेते हैं तो आपको समझ जाएंगे कि अपने को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। एक्साइटमेंट में थ्रेशोल्ड कम है, तभी वो थ्रेशोल्ड कैसे बढ़ाना, लंबा पीरियड कैसे करना ताकि ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, और उसके लिए फिर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको काम में लगाना पड़ता है, ताकि एक्साइटमेंट की फेज लंबी चले, बहुत ज़्यादा एक्साइट ना हो, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यदि काम में आती है तो फिर वो शांत रखती है, रिलैक्स रखती है पूरे बदन को, नर्वस सिस्टम को, और वहाँ से फिर आपका ये प्री मैच इजैकुलेशन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है बिना दवाई का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जो पांचों स्टेप है, वो पांचों स्टेप्स में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ इलाज करना पड़ता है, वो दवाई से होगा या साइकोथेरेपी से होगा, मगर वहाँ इलाज करते हैं तो जल्दी अच्छा होने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।